दीदी वसंत देसाई जी के साथ भी तो आपके बहुत अच्छे गाने झनक झनक पायल। वसंत देसाई जी के साथ हमारे बहुत घर के संबंध थे, क्योंकि वो भी मराठी थे, और हृदयनाथ के साथ मेरे पिताजी की बरसी में वो हमेशा आते थे, हर प्रोग्राम में वो रहते थे, वो खुद गाते थे और मेरा ख्याल कुछ 7 या 8 साज बजाते थे। उनको क्लासिकल का बहुत ये था, सीखे हुए थे, और जो गाने शास्त्रीय संगीत के आधार ही बने थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तर्जे बनाई है। तेरे सुर और मेरे गीत वो भी कितना अच्छा गाना था। फिर उन्होंने झनक झनक पायल बाजी के जो गीत बनाए थे। एक आपको गीत याद दिलाऊं, कुहू कुहू बोले कोयलिया, सोन सुंदरी फिल्म का गाना, संगीतकार आदि नारायण राव। ये तो साउथ का था। हाँ, आदि नारायण राव म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। और उनकी वाइफ उसकी हीरोइन थी, और उन्होंने मुझे बुलाया मद्रास। मैं यहाँ से चेन्नई गई और मैंने वहाँ जाके रिकॉर्ड किए गाने। तो कुहू कुहू बोले कोयलिया मेरा और रफी साहब का डुएट था, और सोलो था मेरा। अच्छा अच्छा। तो ये गाना शास्त्रीय संगीत पर आधारित, क्लासिकल पे ही था आधारित, और वो जानकार म्यूजिक डायरेक्टर थे। और साउथ में मैं आपको बताऊँ, कोई मतलब उठे और जाके म्यूजिक डायरेक्टर बने ऐसा होता नहीं। वो लोग काफी सीखे हुए, रियाज किए हुए और जानकार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। जी दीदी, एस मोहिंदर साहब के साथ भी आपके बहुत अच्छे गाने। श्री फरहाद का गाना तो बहुत ही फेमस हुआ था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जी हाँ, पर उनके साथ बहुत ज्यादा तो मैंने ज्यादा नहीं गाया नहीं जी। पर गुजरा हुआ जमाना उनका बहुत, वो गाना बहुत अच्छा गाना था। जी जी। वो अमेरिका में ज्यादा रहते हैं, और अभी वो आए थे तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप हमारे यहाँ आइए, और मैं किसी वजह से जा नहीं सकी, उस सब कुछ काम था। हाँ। फिर वो चले गए, जाते वक्त मुझे कह के गए कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो आप जरूर मिलिएगा, तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। मैंने कहा जरूर मैं मिलूंगी आपसे, और कह रहे थे कि मैं अमेरिका में बहुत खुश रहता हूँ।